तो बहुत बहुत तेज उफान आ गया था। हाँ। लेकिन हम सब ने भी धैर्य बनाए रखा और इन लोगों ने भी हमसे कहा कि आप धैर्य बनाए रखें और हम अच्छे से वापस आ गए हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत बड़े। चाहे ज्वेलरी की कितनी ही डिजाइन बदलें, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलेगा तो वो है ग्राहकों का तनिष्क पर विश्वास। अब ब्यूटीफुल डायमंड ज्वेलरी सिर्फ 6,000 से शुरू। तनिष्क, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। हम सावित्री माता रोपवे पे आए हैं और हम अभी केबल गाड़ी से नीचे आ रहे थे तो बहुत बहुत तेज उफान आ गया था। लेकिन हम सब ने भी धैर्य बनाए रखा और इन लोगों ने भी हमसे कहा कि आप धैर्य बनाए रखें और हम अच्छे से वापस आ गए हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत बढ़िया। कितनी देर रुका था ये? लगभग 13 मिनट। अंकल ने काउंट किया, मुझे लगा लगभग 10 मिनट। ना ना, कोई दिक्कत नहीं। कितनी देर रुके आप वहाँ? आधा घंटा। बीच में रुके थे क्या? बीच में भी रुक गया था चूल्हा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास रहा। इधर 3 ट्रॉली में लगभग 15 लोग थे, ठीक है। तो हवा बहुत तेज आई, तेज आने के कारण हम लोग उसको रोक दिए थे। और इस समय टेक्निकल टीम से मुझे पता चला कि चक्का से रोक थोड़ा बाहर आ गए थे, इसलिए हम लोग 4-5 आदमी को भेजे हमारा रेस्क्यू टीम में। वो लोग गए थे, उसको ठीक किया। ठीक करने के बाद फिर इस समय में पावर भी चले गए थे। तो पावर अगर नहीं जाते तो पावर जाने से क्या होता है, हम लोग डीजी चलाने के लिए भेजते हैं, उस समय कुछ टाइम लैप्स हो जाता है। तो वो अगर नहीं होता तो शायद पैसेंजर्स लोगों को इतना दिक्कत नहीं आती। कितने देर रुके रहे पैसेंजर हवा में? 5 से 10 मिनट के बीच, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, रेस्क्यू किया हमने? रेस्क्यू नहीं, फिर तो ये चलाया, रेस्क्यू करने की ज़रूरत नहीं है। रोपवे से उतारे, चक्का में हम लोग को डाल दिया रस्सी, फिर रोपवे चालू किया। उसके बाद बंद कर दिया, चला रहे अभी तो कुछ पैसेंजर। यूटीपी हमारा जो अपर टर्मिनल स्टेशन है उसमें फंसे हुए, तो वो लोगों को अभी लेके आ रहा है ट्रॉली से। अभी तो हवा भी नहीं है, अभी तो नॉर्मल सिचुएशन हो गया है। नाम पता? मेरा नाम प्रणाम चौधरी, कमर्शियल इंचार्ज।